जानिए सेक्सी तानाशाह की रोचक बातें। किम जोंग उन उत्तर कोरिया का एक ऐसा तानाशाह जिसकी सनक के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो ऐसा तानाशाह है जो किसी पर रहम नहीं करता। किसी को मौत की सजा देना उसके लिए मजाक है। उसके सामने जुबान खोलना मना है। अपनी सनक के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग की सनक के बहुत कम किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उसे आखिर दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह क्यों कहा जाता है। आखिर क्यों उसका खौफ उत्तर कोरिया के हर नागरिक के दिल में रहता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मीडिया ने 2012 में किम जोंग को सबसे सेक्सी व्यक्ति बताया था। इसके लिए मीडिया ने रेटिंग भी कराई थी। पढ़ता था जोंग। किम जोंग ने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की। जोंग पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, उन्हें बास्केटबॉल पसंद था। कहा जाता है कि किम जोंग स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बन में पढ़ा, वो भी दूसरे नाम से। बन स्कूल में किम का नाम पाकुल था। जोंग स्कूल में पुनमेजियन पढ़ता था। किम को पुनमेजियन छुपाते हुए स्कूल में पकड़ा गया था। प्लास्टिक सर्जरी से बदली शक्ल। किम जोंग ने 27 साल की उम्र में साल 2000 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी शक्ल भी बदलवाई थी, क्योंकि वो अपने दादा किम इल सुंग की तरह दिखना चाहता था। किम इल सुंग जैसी लोकप्रियता पाने के लिए उसने सर्जरी करवाई। किम के पास नाइकी ब्रांड के जूतों का पूरा कलेक्शन है। अंकल को मौत की सजा। किम जोंग ने साल 2013 में अपने ही अंकल को बेरहमी से मरवा दिया था। किम जोंग ने अपने अंकल को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डलवा दिया था। 120 शिकारी कुत्तों ने किम के अंकल जोंग सिंह को नोच नोच कर मार डाला था। किम जोंग को लगने लगा था कि अंकल का कद उससे बड़ा हो रहा है, इसलिए उन्हें कुत्तों को खिला दिया। बुआ को दिया जहर। किम ने अपनी बुआ को भी जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। उत्तर कोरिया में बुआ की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया। किम जोंग ने लाख कोशिश की कि बुआ की मौत की वजह दुनिया के सामने न आए, लेकिन मई 2015 में कोरिया से भागे एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि किम ने ही अपनी बुआ की हत्या करवाई है। झपकी लेने पर भी मौत की सजा। किम जोंग ने उत्तर कोरिया के रक्षा प्रमुख किम जोंग को ही मरवा दिया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने किम जोंग के सामने झपकी लेने की हिमाकत कर दी थी। एक मीटिंग के दौरान रक्षा प्रमुख को झपकी आ गई थी। उस मीटिंग को खुद तानाशाह किम जोंग ले रहा था। किम जोंग ने मीटिंग से रक्षा प्रमुख को गिरफ्तार करवा दिया और उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। जो नहीं रोया उसकी मौत। 4 साल पहले जब किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी, तब भी कई लोगों को मौत की सजा दी गई थी। दरअसल किम जोंग ने फरमान सुनाया था कि जब उसके पिता का जनाजा निकलेगा तो सभी को रोना पड़ेगा। उस रोज प्योंगयांग की सड़कों पर हजारों लोग रहे थे, लेकिन जो नहीं रोया उसकी मौत आ गई। लाउड स्पीकर से बौखलाया तानाशाह। अगस्त 2015 में दक्षिण कोरिया ने बॉर्डर पर लाउड स्पीकर लगाकर अपना प्रोपेगेंडा बजाना शुरू कर दिया था। इस बात से उत्तर कोरिया का तानाशाह किम बौखला गया। किम ने आर्मी और तोपों को सीमा की तरफ रवाना करते हुए अल्टीमेटम दे दिया कि अगर लाउड स्पीकर बंद